Hey guys, you are watching our YouTube channel Welcome Poultry Farm and welcome to another nice video. ये हमारी डॉन वाली मॉम, ये भी माशाल्लाह बच्चे, ये भी हम हफ्ते के बाद आए हैं, जरा इनको देखें। माशाल्लाह बच्चे भी सही हैं, इनकी मम्मा भी सही है। हाँ भाई, क्या खबर है, क्या हाल हाल है? आया आया, अरे माशाल्लाह बच्चे सही है तुम्हारे, तुम ठीक हो? ये माशाल्लाह बच्चे भी, और ये इनकी मॉम। आज हम चेक कर रहे हैं क्योंकि हम खुद आए 10 दिन के बाद, तो ये सबको चेक कर रहे हैं। माशाल्लाह ओके दी रिपोर्ट है। ये एक और माँ, इसके बच्चे, इसके जो है ना, हमने अपनी गंजी मुर्गी के अंडे रख दिए थे इसके नीचे, तो बच्चे निकल आए, पर एक ही गंजा जो है ना वो बच्चा निकला है, बाकी तो बच्चे गंजे नहीं निकले। अंडे तो गंजी मुर्गी के रखे थे हमने, और इसने निकाले चूजे 3 गंजी मुर्गी के अंडों में से, और एक ही गंजा बच्चा निकला ये आपके सामने। बाकी जो 2 बच्चे हैं वो गंजे नहीं निकले, तो अभी अंडे बचे हुए हैं, अगर वो निकले तो देखते हैं कि वो गंजे निकलते हैं या नहीं। ये देखें आप, ये 3 बच्चे निकाले, तो एक ही बच्चा जो है वो गंजा है। हालांकि अंडे सारे हमने गंजी मुर्गी के रखे थे इसके नीचे, ताकि गंजियों का नस्ल बढ़े, तो हम गंजियों का नस्ल बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गंजी मुर्गियों का नस्ल वो बहुत कम होता जा रहा है, तो हम गंजी मुर्गियों का नस्ल बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखें आप, एक बच्चा निकला है बिल्कुल गंजा, और इसकी माँ आपको दिखाते हैं। अब तो खैर माँ यही है क्योंकि बच्चे इसने निकाले, लेकिन जो अंडे थे वो हम आपको दिखाते हैं कि कौन सी मुर्गी के। जी हाँ, ये वाली मुर्गी के रखे थे, ये गंजी मुर्गी के अंडे हमने रखे थे जनाब उस मुर्गी के नीचे, तो उसमें से 3 बच्चे निकले, लेकिन 3 ये भाग रही है, अभी डर रही है। 3 में से एक ही जो है वो गंजी मुर्गी पे गई है, बिल्कुल गंजी, बाकी 2 तो अभी गंजे नहीं हुए। हम इनका नस्ल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी इसके अंडे और भी मुर्गियों के नीचे रखते हैं, फिर देखते हैं, तजर्बा करते हैं।